मुगल बादशाह शाहजहां को अपनी बेगम के लिए बनाए गए ताजमहल के लिए जानते हैं। लेकिन शाहजहां का एक और चौंकाने वाला चेहरा था। इतिहास के पन्ने खंगालने पर यूं तो कई शासक हुए जो अपने अय्याशियों के लिए जाने जाते रहे हैं, लेकिन मुगलिया सल्तनत के वारिस शाहजहां की विलासी और विकृत यौन इच्छाओं ने उन्हें इतिहास का सबसे कामुक सम्राट बना दिया था। शाहजहां की 13 पत्नियां थी। इसके अलावा उसके हरम में 8000 से ज्यादा औरतें भी थी। इन सभी के साथ वह अपने मुताबिक भोग विलास करता था। कहा जाता है कि शाहजहां की नजर से उसके सूबेदार अपनी अपनी बीवियों को बचाकर रखते थे। एक बार की बात है, शाहजहां की नजर सूबेदार शेर अफगान खान की खूबसूरत बीवी पर पड़ी। शाहजहां ने शेर खान की बीवी से जबरन शादी कर ली और उसका नाम बदलकर मुमताज रख दिया। बादशाह की इस हरकत से शेर खान नाराज हो गया और उसने शाहजहां के खिलाफ विद्रोह कर दिया। शाहजहां को शेर खान की हरकत बुरी लगी और उसे भरे दरबार में मरवा दिया। इसी मुमताज की याद में उसने आगरा में ताजमहल बनवाया था। शाहजहां की वासना के किस्से यही खत्म नहीं होते हैं। बताते हैं कि मुमताज की मौत के 7 दिन बाद ही उसने उसकी छोटी बहन फरजाना से शादी रचा ली। एक बार की बात है, जहां औरा अपने एक नौकर के साथ बंद कमरे में थी, तभी अचानक वहां शाहजहां धमक उठा। उसने नौकर को हरम के तंदूर में जलवा दिया। बताते हैं कि जब जहां आरा और शाहजहां के संबंध की भनक औरंगजेब को लगी, तो उसने दोनों को आगरा के किले में कैद करवा दिया। लेकिन औरंगजेब ने एक आदर्श बेटे का भी फर्ज निभाया और अपने बाप की कामुकता को समझते हुए उसे अपने साथ कई शाही वैश्याएं रखने की भी इजाजत दे दी। इतिहास के सबसे कामुक बादशाह की मौत 22 जनवरी 1666 को हुई। द हिस्ट्री चैनल के अनुसार शाहजहां की मौत अत्यधिक कामुक जख्म दवाएं लेने से हुई थी।